Hey guys, this is lecture number 5 of chapter 10. The name of the chapter is light reflection and refraction. So in today class we are going to discuss about the rules for ray diagram for convex mirror. ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास हम क्या करने वाले हैं, जो रूल्स रहेंगे रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है, वो आज हम जो क्लास में जो पढ़ेंगे भाई। इससे पहले क्लास में हम जो है रूल देख चुके हैं रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर, और इमेज फॉर्मेशन भी हमने देखा कॉनकेव मिरर का जो कैसे होता है ये भी हम देख चुके हैं भाई। ठीक है, तो आज क्लास में हम जो करने वाले हैं यहाँ पर जो है कॉनकेव मिरर के लिए कौन कौन से रूल होते हैं सबसे पहले उन्हें देखेंगे, फिर जो कैसे जो है इमेज बनेगी, रे डायग्राम क्या क्या होंगे। ठीक है, केवल दो ही रहेंगे भाई, तो उनको जो हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं रूल नंबर 1 से। ठीक है, क्या जो हमारा रूल रहेगा, ठीक है, तो सभी का ध्यान यहीं पर होना चाहिए भाई। देखो रूल्स फॉर रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर, तो सबसे जो नंबर फर्स्ट जो रूल रहेगा आपका, ठीक, क्या रहेगा भाई, क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू द विच इज एरे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस पर। ठीक है भाई, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या होगी, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर से आती हुई हमें जो प्रतीत होती हुई। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ये है, देख लेते हैं क्या कहता है भी। देखो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है आपका कैसा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, जो कि जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। ठीक है, ऐसा होता है भाई, ये पॉली सरफेस होगी इसकी जो है, तो पॉली सरफेस होगी। ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो रहेगा क्या रहेगा, पोल रहेगा। ठीक है ना, ये पोल है। अब इसमें ये वाली जो लाइन, ठीक है, इधर की तरफ वैसे सेंटर कर्वेचर इधर की तरफ बनेगा भाई। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, ये वाला जो फोकस रहेगा डबल जो, ठीक है, आधा जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, ये सी है। अब पी और सी को मिलाने वाली लाइन जो होती है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, जो कि नॉर्मल होती है इस मिरर के ऊपर, ठीक है, ये लाइन क्या रहती है, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इस लाइन को हम जैसे जो ड्रॉ कर सकते हैं, कर लिया भाई हमने जो, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा इधर की तरफ लेफ्ट में होता है हमेशा, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो रहेगा लेफ्ट में रहेगा, तो क्या होगा, जब भी लाइट रेज, ठीक है, यहाँ से आ रही है वो, ठीक है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ये ऐसे पैरेलल आ रही है, बिल्कुल सीधी आ रही है, यहाँ पर यह रिफ्लेक्शन होगा। अब चूंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो डाइवर्ज कर देगा ये तो भाई, ठीक है, तो ये जो हमें, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, ये आती हुई प्रतीत होती है कि फोकस से आ रही है, कहाँ से आ रही है, फोकस से आती हुई जो हमें ये प्रतीत होती है। ठीक है, ऐसे जो इसको आप यहाँ पर जो आप डॉटेड लाइन से दिखाएंगे इसको, ठीक है, और इसके बाद जो है ये इस लाइन को आप जो है, ठीक है, सीधा जो है, ठीक है, एक मिनट रुको, इस लाइन को जो आप सीधा जो ऐसे जगह खींच देंगे भाई, ठीक है, ऐसे सीधी इस लाइन को जो है, ठीक है, ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर स्केल से जो है, बिल्कुल स्केल से आपने सीधा जो खींचना है, लेकिन इधर आपकी कैसी रहेगी, डॉटेड लाइन रहेगी। ठीक है, और दूसरी तरफ ये क्या रहेगी जो है यहाँ पर जो आपकी, ठीक है, सॉलिड लाइन से इसको दिखाना है। देखो रिफ्लेक्शन तो यहाँ पर हुआ ना, केवल यहाँ से गई है ये, ठीक है, और इधर की तरफ ऐसे चली गई है, ठीक है, यहाँ पर ये हुआ है केवल, ठीक है। तो फर्स्ट रूल जो हमने ये देखा हुआ यहाँ पर, ठीक है, ये वाला फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, ये आपका कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है, ठीक है, रूल हमारा हो चुका है। ठीक है, इस तो देखो भाई क्या रहेगा, दूसरा रूल नंबर जो दो है, ठीक है, वो करने वाले हैं। ठीक है, रूल नंबर 2, अब ये क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट विच इज़ गोइंग जो कि जा रही है टुवार्ड्स द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, एक मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, उसके फोकस की तरफ जो है लाइट जो है जा रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, इट बिकम्स पैरेलल टू द कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर के जो है, ठीक है, पैरेलल हो जाएगी, या फिर जो प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, पैरेलल टू द कॉन्वेक्स मिरर नहीं, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्या रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, क्या आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है भाई, ये रहेगा यहाँ पर जो भाई, ठीक है, तो ये दूसरा रूल था भाई हमारा जो, ठीक है, दे लेते डायग्राम जो, सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो स्फेरिकल जो कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, फिर इसको हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं,
ठीक है, बैक साइड से जो है पॉलिश होती है सिल्वर की होती है, ठीक है, या फिर जो इससे पीछे दूसरा कोई पेंट वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। तो पहली जो पॉलिश के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर जो सिल्वर को यूज़ करेंगे, ठीक है, सिल्वर को यूज़ करते हैं, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होगी इधर से जो है, ठीक है। अब ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है क्या रहेगा, इसमें ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पी कहलाता है, ठीक है, पोल कहलाता है, ठीक है। और इधर की तरफ यहाँ पर जो ये सेंटर होता है, जो भी होलोस्फेयर जो बनता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, फोकस रहता है, क्या रहता है, फोकस, ठीक है। और जो लाइन जो है, ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो गुजरती है, ठीक है, वह लाइन होती है आपकी कौन सी, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये नॉर्मली भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं इसके ऊपर, पोल के ऊपर जो, ठीक है, नॉर्मल रहेगी यहाँ पर जो, ठीक है। अब देखो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है कोई ऐसी इंसिडेंट लाइट आ रही है जो कि कह रहे हैं फोकस से, ठीक है, आती हुई हमें जो प्रतीत हो रही है, ठीक है, देख रहे हैं भाई यहाँ पर जो है फोकस से आती हुई, ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है, इसको जो स्ट्रेट लाइन जो है, ठीक है, यहाँ पर जो खींच लेते हैं हम जो, ठीक है, डॉट डॉट से जो है ये जो स्केल लेंगे, स्केल से जो सीधी लाइन जो यहाँ पर खींचेंगे, ठीक है, ऐसे जो है, तो ऐसे जो हमें आती हुई दिख रही है भाई यहाँ से जो है, ठीक है, सीधी जो है ये लाइन, ठीक है, ऐसे जो दिख रही है, ठीक है। तो इधर आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस मिरर इस पोजीशन के ऊपर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो लाइन जो कहीं चली जाएगी, सीधी चली जाएगी बिल्कुल, ठीक है, पैरेलल निकल जाएगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के जो है, ठीक है, बिल्कुल सीधी जो है ऐसी निकल जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये इंसिडेंट वाली लाइट है, ठीक है, इंसिडेंट रे रहेगी, और ये वाली जो कौन सी रहेगी, ये वाली जो है रिफ्लेक्टेड लाइट रहेगी, कौन सी रहेगी, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो ये तो इनकमिंग है, और ये वाली जो है ये रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्ट होगी वो ऐसे होगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरा नियम जो हमने यहाँ पर सीख लिया, ठीक है, ये रहेगा। अब चलते हैं, ठीक है, रूल नंबर थ्री के ऊपर, ठीक है, रूल नंबर थ्री जो क्या कहता है, रूल नंबर थ्री, ठीक है, इसको देख लेते हैं, थोड़ी सी जगह जो ऊपर बना लेते हैं भाई, ठीक है। तो लिखने के लिए जो इसको ऊपर थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा रूल नंबर थ्री। अब याद, अब देखो रूल नंबर क्या थ्री क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट, ठीक है, जो कि पास हो रही है, ठीक है, विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होती है अलोंग द सेम पाथ, ठीक है, जिस रास्ते जाते हैं उसी रास्ते आ जाती है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या स्टेटमेंट रहेगी, ए रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग, ठीक है, जो कि क्या हो रही है, ठीक है, पास हो रही है कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसका कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है भाई, कॉन्वेक्स जो बाहर की तरफ होता है, ठीक है, बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है। ट्रिक मैंने बता रखी है याद करने की, जो आप कर सकते हैं आसानी से, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद कैसे गुजरेगी भाई, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, ये जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, उसी रास्ते जो है, ठीक है, निकल जाएगी, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, उसी रास्ते जो है निकल जाएगी, ठीक है, जिस रास्ते आई है, ठीक है, उसी रास्ते ये निकल जाती है, ठीक है। तो चलो डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर जो, ठीक है, क्या रहेगा इसका डायग्राम, देखो क्या होता है, ठीक है, जो है भाई सबसे पहले क्या करेंगे, ये मिरर बनाएंगे, ठीक है, मिरर बना लिया हमने जो है, ठीक है, मिरर को थोड़ा सा गोल कर देंगे, हल्का सा गोल होता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने, चलो ज़्यादा हो गया कोई बात नहीं, ठीक है। तो रफ डायग्राम यहाँ पर जो बना रहे हैं, ये वाला पॉइंट कौन सा है, पोल होता है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जो कि इस होलोस्फेयर जो बनेगा, ठीक है, होलोस्फेयर जो बनेगा, जो कि उसका सेंटर रहेगा, होलोस्फेयर का जो सेंटर होगा, ठीक है, वो सी कहलाएगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या होता है, ये प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, जो कि इन दोनों का, जहाँ पर ये डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है, जहाँ पर सारी की सारी लाइट रेज क्या होती है, एक जगह पर जो है, ठीक है, पीछे से आती है, ठीक है, हमें मिलती होती है, ठीक है, जो सेंटर ये फोकस कहलाता है, ठीक है। और इस लाइन को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहलाएगी, ठीक है, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है, देखो कोई लाइट रेज आ रही है, ठीक है, किसकी तरफ आ रही है, जो कि इंसिडेंट है टुवर्ड्स, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, ठीक है, ऐसे जो इंसिडेंट है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से जो है, ठीक है, इसको जो ऐसे खींच रहा हूँ यहाँ से जो, ठीक है, ऐसे सीधी लाइन, ठीक है, सीधी लाइन जो इसको, ठीक है, आपने बनाना है, ठीक है, स्केल से, और जैसे कि वो, ठीक है, आ रही है। अब कोई लाइट रेज, ठीक है, जो कि इंसिडेंट है टुवार्ड्स किसकी तरफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, ठीक है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट भी होगी इसी रास्ते जो है, वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, जिस रास्ते आई है, ठीक है, उसी रास्ते क्या हो जाती है, वो, ठीक है, निकल जाती है यहाँ पर जो है, ठीक है। तो यही हमारा जो यहाँ पर, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है, जिस रास्ते आई है, ठीक है। तो ये तो इंसिडेंट के लिए यूज़ किया हमने, ठीक है, इंसिडेंट के लिए, ठीक है, इंसिडेंट रहेगी, और ये वाला जो है, ठीक है, जिस रास्ते आई और इसी रास्ते वापस निकल गई, ये रिफ्लेक्टेड के लिए हमने यूज़ किया, ठीक है ना। तो ये जो थर्ड नियम था, उसके बाद देख लेते हैं रूल नंबर फोर, देख लेते हैं रूल नंबर जो है फोर क्या रहेगा भाई, ठीक है, रूल नंबर फोर को, ठीक है, ये रहेगा, ये बहुत ही कम जो हम, ठीक है, यूज़ करते हैं। रूल नंबर फोर क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट जो कि क्या हो रही है, विच इज़ इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, ठीक है, जो पोल पर इंसिडेंट होगी, कैसे, मतलब ओब्लिकली आ रही है, ठीक है,
तो ओब्लिकली अगर वो आती है, ठीक है, वो रिफ्लेक्टेड होती है बैक, मेकिंग द सेम एंगल, ठीक है, विद द प्रिंसिपल एक्सिस, जिस एंगल पर वो ओब्लिकली इंसिडेंट होते हैं उसी एंगल से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है लगेगा भाई, ठीक है, तो उसका भी जो डायग्राम यहाँ पर जो हम, ठीक है, बना लेते हैं, क्या जो है डायग्राम रहेगा जो है, ठीक है, देख लेते हैं इसका जो है, ठीक है, क्या डायग्राम है, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पर जो भी, ठीक है, सभी को जो है, ठीक है, तो देखो क्या रहेगा, पहले जो स्टेटमेंट देख लेते हैं इसकी, ठीक है, क्या रहेगी, रूल नंबर 4 की जगह बना लो थोड़ी सी जो है इधर, ए रे ऑफ लाइट, ये ऊपर, ठीक है, हो गया भाई, हाँ, ठीक है, तो लिख लेते हैं, ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट, जो कि इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट ओब्लिकली, ओब्लिकली मतलब तिरछी हुई, ठीक है, ओब्लिकली, ओब्लिकली एट पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के पोल के ऊपर जो क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, ओब्लिकली मेकिंग एन एंगल, एक एंगल बना रही है, ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एन एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई, ठीक है, आई एंगल पर वो इंसिडेंस हो रही है, देन इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, देन इट इज, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, यहाँ पर जो लिखना है क्या हमने, ठीक है, रिफ्लेक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी हुई, ठीक है, बैक बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाते हुए जाएगी, ठीक है, ओब्लिकली ही, बाय मेकिंग एन रिफ्लेक्टेड बैक ओब्लिकली भी यहाँ पर जो आपने लिखना है, ठीक है, तिरछाई तो तिरछी ही जाएगी, ठीक है, बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डेट इज आर जो एंगल बनाएंगे, ठीक है, तो उसका डायग्राम यहाँ पर जो हम देख लेंगे, ठीक है, सबसे पहले जो क्या रहेगा, देखो ये जो यहाँ पर, ठीक है, हमने मिरर जो बना दिया है, ठीक है, क्या रहा मिरर जो भाई, तो देखो भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, ये मिरर जो हम बना लेते हैं, ठीक है, ये बना लिया हमने भाई जो मिरर जो रहेगा, ठीक है, ये मिरर जो है, ठीक है, बन चुका है। अब मिरर पे ये वाला पॉइंट कौन सा होता है, ठीक है, पी पोल कहलाता है, ठीक है, पी पोल कहलाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर एफ है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रहेगा, और ये वाली लाइन जो यहाँ से जो सीधी जाएगी, ठीक है, जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाएगी, ठीक है, वो लाइन कहलाती है कौन सी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अब कोई लाइट रेज जो कि इंसिडेंट हो रही है पोल के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर जो इंसिडेंट हो रही है लाइट रेज, ठीक है, पोल के ऊपर बाय मेकिंग एंगल ऑफ आई, ठीक है, आई एंगल से जा रही है, तो हो जाएगी यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, और आर एंगल से जो निकल जाएगी, ठीक है, इस एंगल से, इसमें क्या रहेगा, आई जो रहेगा, ठीक है, वो बराबर रहेगा इसके आर के बराबर है, एंगल आई जो बराबर है एंगल आर के बराबर रहेगा, ठीक है, तो चार नियम थे यहाँ पर जो, ठीक है, चार नियम जो हम कर चुके हैं भाई, ठीक है, देख लेते हैं फिर जो भाई, इसके बाद हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन जो भी, ठीक है, क्या है इसकी जो इमेज फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है, दो इमेज फॉर्मेशन है उनको हम यहाँ पर जो देख लेते हैं, ठीक है, रूल हो गए।